बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फेयर एंड लवली का लेकर आई हूँ मेथड। ये मैं आपको बताऊँगी आपकी स्किन को कैसे खूबसूरत बनाएगी और आपको फेयर करेगी। गोरा होने का तो सबका ही दिल करता है हम लोग गोरे हो जाएँ, लेकिन इसका आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता है इस्तेमाल करने के बाद। अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है और प्यारा बनाया है, लेकिन जब हम लोग अपनी केयर नहीं करते, हम लोग धूप में जाते हैं बाहर, तो सन टैन होना शुरू हो जाता है, सन बर्न होना शुरू हो जाता है, चेहरा हमारा ख़राब हो जाता है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से, धुओं की वजह से हमारा चेहरा ख़राब होने लग जाता है। ये देखिए मेरे पास है फेयर लवली, आप इस साइशी में भी मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल है, मौजूद हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लास्ट टाइम मेरी आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। ग्लो एंड लवली एडवांस मल्टी विटामिन इसमें होते हैं, वीटा ग्लो है ये, और इससे रंग बहुत जल्दी आपका गोरा होना शुरू हो जाता है। ये मैं भी यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है मेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट बाय, ये वहाँ की बनी हुई है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये गोरा करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको सबसे पहले ये करना है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है, और जो भी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ उसको आपने फेस पे अप्लाई करने से पहले अपने हैंड पे ज़रूर अप्लाई करना है और लगाना है। फिर इसका मैं आपको मेथड बताती हूँ आपने कैसे इसे यूज़ करना है। लेमन है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, ये ब्लीचिंग का काम करता है। इसे लगाने से चेहरा जो है हमारा मैल कुछ है, जो चेहरे पे डस्ट लगी होती है वो ऐसा ऐसा उतरना शुरू हो जाती है और हमारी जो टू टोन। मैंने फेयर एंड लवली ले ली है, आपके पास जो भी मौजूद है आप उसे लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी क्वान्टिटी में डाल दी है, यहाँ पर मैंने लेमन ले लिया है, ये इसमें मैंने यूँ मिक्स करना है। ये ब्लीचिंग का काम करेगा और आपके चेहरे को बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाने वाला है। इसे आपने 20 मिनट के लिए लगा के रखना है, इससे आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और फेयर फेयर लगेगा। लेकिन हमें अपनी केयर भी करनी चाहिए, अल्लाह पाक ने तो हमें खूबसूरत बनाया है, लेकिन जब हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं तो फिर हमारा चेहरा ख़राब होना शुरू हो जाता है। हो चुका है और हमने यूँ अपने हैंड पे फेस पे, आपने जहाँ जहाँ लगाना है आप ज़्यादा मुकदार में भी इसे बना सकते हैं, आपने ऐसे अपने अप्लाई कर लेना है और फिर लगा के रखना है 20 मिनट के लिए, और फिर इसे सादा पानी से वॉश कर लें और रोज़ाना इसे इस्तेमाल करें। आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग होने वाली है और फेयर होने वाली है। अच्छी बात, जब बेसुकूनी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो इबादत का टाइम बढ़ा दो और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।